नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर आपके सामने नया केस प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये टेलीफोन पे लिया गया केस है कोरोना के समय में। ये दिखाता है कि कैसे हमारा ये मेथड कोरोना जैसी महामारी जहाँ जिसका कोई इलाज हो नहीं पा रहा था उसको बड़ी सहजता और सुगमता से टैकल कर लिया जा रहा था, बहुत जल्दी हम ठीक कर पा रहे। तो ये एक 42 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का केस है। इसके किसी मित्र ने इसको मेरे पास भेजा है, बल्कि उसी ने अपॉइंटमेंट लिया है और इसकी फीस भी जमा कर दी है। केस की रिकॉर्डिंग यहाँ बहुत साफ है, इसलिए मैं इस केस को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड नहीं करूँगा बल्कि रोगी की ओरिजिनल आवाज़ सुनवाऊंगा। सभी रिकॉर्डिंग को रोगी की पहचान छुपाने के लिए एडिट किया गया है। अभी रोगी के साथ जो वार्तालाप हुआ है उसको सुनते हैं। अंकल, मैंने वो एक आपको रेफरेंस दिया था ना, जो जिनको कोविड पॉजिटिव है वो। अच्छा, वो ना सर, उनको फर्क नहीं पड़ा किसी भी चीज से, हॉस्पिटल घूम कर वो वापस भी आ गए। और मैंने दवाई ली थी, उन्होंने वो मेरे इलाज में है। हैं? वो मेरे से इलाज करा रहे हैं? नहीं ना, आपसे इलाज कराना है अभी, तो आप अभी बात कर सकते हैं सर या सुबह करेंगे? नहीं नहीं, पेमेंट करी है उन्होंने मेरे को, मैं अभी कर दूंगा ना। आप अगर अभी वो हो तो अभी कर दूंगा मैं। आपको कितना बताया था मैंने पेमेंट आपको? हाँ ठीक है, कर दूंगा अभी सर। अभी कर दो, अभी करके अभी बात करा लेना, ज्यादा लेट मत करना। 5 मिनट, 2 सेकंड। दवाई कहाँ से मिलेगी? वो खरीद लेंगे सर अपने आप, आप बस उनको सर सही कर दो। अभी कैसे खरीद लेंगे, रात में दुकानें नहीं बंद होंगी? वो सुबह ले लेंगे। ठीक है, अभी करके अभी करा दो, अभी करके। हाँ जी, अभी कर रहा हूँ। अभी वो लोग कहाँ पर है वैसे, मेरे को इस चीज़ तो बताओ, पर हैं कहाँ इस वक्त वो लोग? वो है सर नहीं, हॉस्पिटल में है। नहीं नहीं, घर आ गए। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, और अब घर आ गए। ठीक है, ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, करके करा। इस ऑडियो में आप लोगों ने सुना कि रोगी हॉस्पिटल से इलाज छोड़कर वापस घर आ गया है। इसके कहने पर मुझसे इलाज कराने के लिए वो तैयार हो गया है, क्योंकि इस मित्र के परिवार के 3 सदस्य हैं जो कोरोना पॉजिटिव थे और अस्पताल में भर्ती थे, परंतु वहाँ के इलाज से वो लोग संतुष्ट नहीं थे। इसी कारण उन्होंने भी वहाँ का इलाज छोड़कर मुझसे ही इलाज करवाया था और तीनों बहुत ही जल्दी ठीक हो गए थे। इसी कारण से ये व्यक्ति मुझ पर इतना ज़्यादा भरोसा कर रहा है। तो इस दोस्त के बात करने के केवल 5 मिनट बाद ही इसने मुझसे बात कर ली। अभी हम रोगी के साथ हुए पहले वार्तालाप को सुनते हैं। मैंने कर दी है और मेरे साथ वो लाइन पर है, मैं एक बार मर्ज कर रहा हूँ सर कॉल। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हमारे कंपनी में हम साथ ही काम करते हैं सर। हाँ जी डॉक्टर, आप अपनी जैसे भी जो फीलिंग है जो कुछ है वो मेरे को बताइए। डॉक्टर, मेरे को अभी ना एक तो फीवर जो है 3 टाइम्स आ रहा है और इतनी जान बिल्कुल खत्म हो रखी है बॉडी के अंदर, खाना बिल्कुल नहीं खा पा रहा हूँ मैं, जबरदस्ती करता हूँ और ऐसे लगता है खाना खाता हूँ तो बाहर आ जाएगा, मुँह सूरा सूखा सूखा सा है। सोता हूँ तो मैं सोने में जैसे ही सोता हूँ तो मेरे गले में ना ऐसे चुभन सी होने लग जाती है और खांसना पड़ता है, उसके लिए खांसी होती है और सो नहीं पाता। सोने का मतलब लेटते हो या सोते हो? हाँ जी, सोने पे शुरू होती है खांसी या बिस्तर में लेटते ही शुरू हो जाती है? लेट के 5-10 मिनट में जैसे मेरे को नींद आने की कोशिश होती है तभी शुरू हो जाता है अंदर चुभना सा कुछ। हाँ हाँ हाँ। और फिर खांसी होती है और फिर जाग खुल जाती है, मैं 2-3 घंटे मुश्किल से सो पाता हूँ। अच्छा, मतलब वो भी बड़ी मुश्किल से। और उसमें भी क्या होता है, अभी कल परसों में ऐसा हो रहा था कि जैसे मैं सो रहा था तो मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है ना वो डाउन हो जाता था।
वो आप चेक कर, मशीन रखी है या वैसे अपने हाँ जी फीलिंग से बता रहे हो? नहीं, मशीन रखी हुई है मैंने। मशीन मेरा, जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरा ऑक्सीजन लेवल ठीक आ रहा है, बट हाँ सोने के बाद ऐसा हो रहा था। फिर मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे गले में ना बहुत सारा बलगम है जो चिपका रहता है, हाँ हाँ और शायद उसी की वजह से मेरी ऑक्सीजन पूरी जाती नहीं है और मैं जाग जाता हूँ, झटके से जाग जाता हूँ। और रात को भी मैं सोते सोते ना, कल मैंने मेडिसिन ली है जो डॉक्टर ने बताई है, उसके बावजूद भी सोते सोते ना जैसे झटका सा लगता था एकदम से, जैसे सांस रुक गई है एकदम से, अच्छा ऐसा हो जाता था। सोते सोते सांस लेना बंद हो जाता था, तो एकदम से जाग खुल जाती है। हाँ तो ये आ रही है। और कल से मेरे साथ जो है ना बैक में ऐसे लहर सी दौड़ रही है, तो जैसे जैसे कुछ कोई चीजें रेंग रही हो मेरी बैक में, पीठ के ऊपर, पूरी पीठ के ऊपर। अच्छा अच्छा ऐसे फील हो रहा है, थोड़ी टाइटनेस भी फील हो रही है। पहले जो मेरे को खांसी थी ना वो पूरी भर के आती थी, पूरा भर के सांस निकलता था झटके से। अब क्या है, वो खांसी दब भी गई है, जैसे दब जाती है छाती, थोड़ा टाइट सी हो जाती है। अच्छा उस टाइप में वो दम सा नहीं रहा छाती के अंदर जो पहले 2-3 दिन पहले था। इस तरह की फीलिंग आ रही है। तो इससे मन, जिससे जो भी तुमने तकलीफ बताई है, इससे तुम्हारे अभी तुम लोग ये 3 दिन से बुखार आ रहा है, तो मतलब ये अस्पताल अस्पताल कहीं कभी गए हो या सिर्फ घर पे ही बैठे हो? मैं घर पे ही बैठा हूँ। अस्पताल एक दिन परसों होके आ गया था। हाँ मैंने जो ब्लड टेस्ट वगैरह हुए थे वो मेरे ठीक आए थे, मैं घर आ गया था उसी दिन, क्योंकि वहाँ पे कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पानी वानी केयर नहीं कर रहे थे वो लोग। कौन से हॉस्पिटल गए थे? हाँ जी मैं उन्हें गया था। अच्छा हाँ जी, मैं फिर वापस आ गया था वहाँ, मतलब तो वहाँ कुछ भी नहीं हो रही, केयर नहीं हो रही थी, तो वहाँ आपको डर लगा हाँ आने के जी। पीछे मेंटल क्या था आपका, साइकोलॉजी क्या थी वहाँ से बाहर आने के पीछे? हाँ जी वहाँ से घर वापस आने में के पीछे हाँ आपके जी, दिमाग में क्या चल रहा था कि भाई यहाँ पे मेरे को इन्फेक्शन? हाँ मेरे को ये चल रहा था कि मेरे को यहाँ पे खाना भी नहीं दे रहे थे वो, काफी टाइम से मांग रहा अच्छा था। और उनके पास जो है देसी दवाएं कुछ नहीं थी, वो काढ़ा होता है, हल्दी वाला दूध होता है, वो सब चीजें मना कर रहे थे। वो सिर्फ वो हैवी डोज जो एंटीबायोटिक्स ही देनी थी उन्होंने, जो कि मेरे को खाती घबराहट होती है। मैं अच्छा मतलब ऐसा हो जाता है कि मैं मर जाऊंगा खा के, मेरे धड़कन बढ़ जाती है। और पीछे भी जब मेरा स्टार्ट हुआ था ना ये फीवर आना, हाँ। मेरे को ये दी थी AZ 500 दो बार खाता था ना, मुझे तो ऐसा लगता था बस मैं आज रात को बचूंगा नहीं, ऐसी इतनी घबराहट होती थी। अच्छा हाँ, लेकिन वो 2-3 दिन खाई मैंने, उससे मेरा फीवर तो कम हो गया, वो फिर फीवर कम हो गया, बट मैंने साथ साथ करा ही लिया था, हाँ। वो पॉजिटिव आ गया। उसके 4-5 दिन तक जब तक रिपोर्ट नहीं आई थी, हाँ। वहाँ तक मेरे को फीवर नहीं आया, और उसके एक दिन बाद ही फीवर नहीं आया। फिर उसके बाद 12 तारीख से मेरे पास लगातार फीवर आ रहा है, हर 6 घंटे में फीवर चढ़ जाता है मुझे, और मेरी हालत जो ऐसे हो जाती है बस कुछ है ही नहीं है मेरे शरीर के अंदर, खत्म सा लगता है। और उससे पहले ना डॉक्टर, मेरा 2 महीने से साइनस चल रहा था, साइनस का मैं मेडिकेशन कर रहा था, एंटीबायोटिक मैंने अप्रैल में मई में बहुत सारी खाई है साइनस के लिए। अच्छा ठीक है, तो अभी आपके आसपास कहीं से दवाई मिल जाएगी होम्योपैथी वाली? डॉक्टर इमीडिएटली तो होम्योपैथी की नहीं मिलेगी, कल मैं मंगा सकता हूँ यहाँ पे, होम्योपैथ करके हैं उनकी सारी मेडिसिन मिल जाती हैं पीछे, मतलब कई बार होते हैं ना प्राइवेट डॉक्टर होते हैं उनके घर से मिल जाती हैं, वो थोड़ा दे देते हैं कोई रिक्वेस्ट करो तो। इस टाइम मतलब ये है कि हम आप खिला देंगे तो रात तक कुछ सुबह तक अच्छी स्थिति में आ जाओगे आप, नहीं हाँ, मिलेंगे तो मजबूरी है फिर तो है? मैं सर आप छापड़ा जी वहाँ पे क्या ना, मैं बोलूँगा उसको लेकर आएगा। अगर हो जाता है ना अभी कुछ अरेंज हो जाता है तो कुछ बेटर हो जाएगा ना, उसका असर कुछ तो हो ही जाएगा ना रात रात में। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल है ना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं मिलेगी तो फिर तो मजबूरी है। एज कितनी है आपकी, उम्र कितनी है? शुगर मैंने चेक नहीं किया। नहीं नहीं आप कितने साल के हो? 42। अब ये खांसी बहुत ज्यादा आ रही है डॉक्टर, ये तो खांसी इससे बहुत ही ज्यादा थी, बहुत ही। हाँ हाँ 5 ठीक है, मैं अभी आपको दवाई का नाम बता देता हूँ। हाँ जी PULSA पल्साटिला, PULSA पल्साटिला ठीक है सर, तो पोटेंशियल ये 200 वाली ले लो और हर आज 1 घंटे के बाद
ले लें। ये पल्सेटिला तो मेरे पास पड़ी है। पड़ी है तो वो दे दो, इस वक्त हमारे को पल्सेटिला चाहिए। अच्छा ठीक है, पल्सेटिला लेने के बाद इनको रात में, जैसे कहते हैं ना, 2-3 घंटे में मेरी हालत बिगड़ने लगती है, अगर वो फिर दोबारा 2-3 घंटे में ऐसी हालत बिगड़ने लगती है तो फिर ठीक है, फिर सुबह तो मेरे से बात कर ही लेंगे ना ये। हाँ जी, हाँ जी। अरे मेरे को कोरोना पॉजिटिव की जो रिपोर्ट है ना हॉस्पिटल की लैब की, वो मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे ना ये? हाँ कर देंगे सर, मैं इनको आपका नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट टच में हो जाएंगे सर। हाँ 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 ठीक है, और मेरे से बात करेंगे फ्रिक्वेंटली, क्योंकि ये मामला जरा ऐसा ही होता है रिस्की वाला, तो इसमें हम जल्दी जल्दी दवाई बदलते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, चलो ओके सर। रात को नहीं बात करनी है, सुबह सुबह तो 7 बजे से शुरू कर सकते हैं बात करना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। इस ऑडियो में रोगी ने बताया कि उसमें जान बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, खाना बिल्कुल ही नहीं खाया जा रहा है, पर जबरदस्ती वो थोड़ा बहुत खा लेता है। बुखार दिन में 3 बार चढ़ रहा है, सोते ही गले में एक चुभन होती है और उठकर खांसना पड़ता है, इसलिए ठीक ढंग से वो सो नहीं पाता है। सोने से ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, लगता है गले में बहुत सारा बलगम चिपका हुआ है जिससे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। सोते सोते ऐसा झटका लगता है जैसे तो सांस रुक गई है, इससे एकदम से नींद खुल जाती है। वो कहता है कि पहले मुझे खांसी पूरी तरह भर कर आती थी, मतलब पूरा सांस आता था, अब नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जाता है। ये अस्पताल से इसलिए घर आया है क्योंकि वहां अस्पताल वाले इसकी देखभाल अच्छे से नहीं कर रहे थे। अब ऐसा उस सीजन में सभी रोगियों के साथ हो रहा था, ये नहीं है कि केवल इसी के साथ हो रहा था, पर सभी लोग अस्पताल छोड़कर घर नहीं जा रहे थे। तो जब मैंने इससे पूछा कि आपका अस्पताल से घर आ जाने के पीछे क्या सोच थी, दिमाग में आपके क्या चल रहा था, तो इसने बताया कि वो लोग ठीक ढंग से खाना भी नहीं दे रहे थे, और वो लोग देसी दवाइयां जैसे काढ़ा, हल्दी का दूध वगैरह कुछ भी नहीं लेने दे रहे थे। मतलब इसको ये लगता था कि काढ़ा दूध वगैरह लेने से मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, आराम से ठीक हो जाऊंगा, ये लेना जरूरी होता है। तो ये कहता है कि बस वो लोग अपनी ही दवाइयां दे रहे थे जो कोरोना के लिए सब लोग दे रहे थे, वो सब वही इलाज कर रहे थे, और वो दवाइयां बड़ी सख्त, बड़ी हैवी दवाइयां थी। उनको खाते ही मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, उनको खाते ही यानी उन दवाइयों को खाते ही ऐसा लगता था कि मैं बस मर जाऊंगा। उससे मेरी धड़कन बढ़ जाती थी। पहले भी उन्होंने बुखार में जो दवाइयां दिन में 2 बार खाने को दी थी, तो उनको खाने से मुझे ऐसे लगता था कि जैसे तो मैं मर ही जाऊंगा, बचूंगा नहीं, इतनी ज्यादा घबराहट होती थी। लेकिन फिर भी मैंने वो 2-3 दिनों तक दवाइयां खाई थी, जिससे मेरा बुखार तो कम हो गया था, पर जब मैंने टेस्ट करवाया तो मैं कोरोना पॉजिटिव आ गया। अब रोगी की सारी रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, परंतु उनको मैं यहाँ अपलोड नहीं करूँगा, आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि उनसे फिर रोगी का नाम, अस्पताल का नाम वगैरह सब सामने आ जाता है, तो उसकी पहचान छुपाने के लिए मैं ये सारी रिपोर्ट आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ। पर कई दिनों तक मुझे बुखार नहीं आया, पर अब कई दिनों से हर 6 घंटे बाद बुखार चढ़ जाता है, और उस समय मेरी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है, बस लगता है जैसे मैं खत्म ही हो गया हूँ। पिछले 3 महीनों से
इसने साइनस के इलाज के लिए कई बार एंटीबायोटिक खाई है, परंतु उस समय इसकी इतनी खराब हालत नहीं होती थी जितनी कि कोरोना के समय दवाइयां खाने से हो रही है। अब यहां तक तो मेरी केस टेकिंग पूरी हो चुकी थी, क्योंकि जैसे आपने सुना है कि मैं उससे पूछ रहा हूं कि भाई यहाँ दवाइयां मिल जाएंगी नहीं मिल जाएंगी, इसका मतलब है कि मैं अपने दवाई के नतीजे पर पहुंच चुका हूं। तो इसलिए जो भी इसके साथ वार्तालाप हुआ उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसको पल्सेटिला 200 खाने को कहा। अब हम उन रूब्रिकों को समझते हैं जिसको आधार बना के हमने इसको पल्सेटिला प्रेस्क्राइब किया था। इसका एक मुख्य रूब्रिक है कैरिड डिजायर टू बी कैरिड स्लोली। इसमें पल्सेटिला अकेली एक ही दवाई है। इस रूब्रिक को अगर हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब है उसकी इच्छा धीरे धीरे कहीं ले जाए जाने की होती है। मतलब आप उसकी इच्छा की पूर्ति करो, पर उसमें उसको धीरे धीरे का मतलब सहजता से चलो, उसको जल्दबाजी मत मचाओ, हाय तौबा मत मचाओ, उसको डांट डपट मत करो। मतलब जैसा वो चाहता है उसके हिसाब से आप चलो ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। अब इस रूब्रिक को समझने के लिए वैसे तो मुझको यहाँ विस्तृत व्याख्या देनी चाहिए, पर मैंने इस रूब्रिक के ऊपर एक बहुत बड़ा वीडियो अलग से बनाया हुआ है, तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगा। वो दोनों भाषाओं में है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, जैसा आपको अच्छा लगे उस भाषा में आप सुन सकते हैं। अब क्योंकि ये केस है, सब लोग उस लिंक पे नहीं जाएंगे, तो यहाँ भी मैं थोड़ी बहुत व्याख्या इस रोगी के कॉन्टेक्स्ट में, इस रोगी के संदर्भ में देना जरूरी समझता हूँ। यह व्यक्ति सही तो होना चाहता है, इसीलिए इसने टेस्ट कराया है, इसीलिए अस्पताल में भर्ती हुआ, परंतु यह व्यक्ति वहां दिए जाने वाले इलाज से होने वाली परेशानियों को झेल नहीं पाया है, क्योंकि वो जो दवाइयां दे रहे हैं वो इसके कहे अनुसार बहुत ज्यादा सख्त है, यानी इसको उन दवाइयों के कारण बहुत ज्यादा परेशानी पैदा हो जाती है। तो ये चाहता है कि इसको ऐसी दवाइयां मिलें जिनको खाने से इसको ज्यादा परेशानी ना हो और ये ठीक हो जाए, यानी ये परेशानी की अवस्था से ठीक वाली अवस्था में जाना चाहता है। खुद नहीं जा सकता इसलिए डॉक्टरों की मदद लेनी है, तो डॉक्टरों के द्वारा बीमारी वाली अवस्था से सही वाली अवस्था में ले जाया जाना चाहता है। इसको कैरिड कहते हैं। पर ये कैसे ले जाया जाना चाहता है? स्लोली, ताकि इसको कोई परेशानी ना हो। तो जो भी साधन डॉक्टर लोग यूज करें, दवाइयां यूज करें, कुछ और मशीनरी यूज करें, वो सब ऐसी हो जिसके कारण इसको थोड़ी सी भी परेशानी ना हो, प्यार से, सहजता से, सुगमता से लग जाए, चाहे इसका समय 2 दिन की जगह 4 दिन लग जाए। क्योंकि अगर आप देखें आखिर हम स्लोली स्लोली यानी धीरे धीरे क्यों चलना चाहते हैं? अब अगर मान लो कोई तेजी से गाड़ी चला रहा है तो लोग कहेंगे यार इससे तो एक्सीडेंट का खतरा है, गड्ढे में गाड़ी गिरेगी तो उससे झटके ज्यादा लगेंगे, अलर्ट ज्यादा बैठना पड़ेगा, मतलब हर चीज, गाड़ी में टूट फूट ज्यादा होगी, तो इसलिए गाड़ी धीरे चलाओ। तो यानी उसमें एक धीरे चलाने में सुरक्षा और सुविधा ज्यादा होती है। अगर किसी के घुटने में दर्द है और कोई उसका बच्चा पोता वगैरह उसको चलवा रहा है और वो कह रहा है जल्दी चलो दादा जल्दी चलो मुझको खेलने जाना है, तुमने इतना टाइम लगा दिया, तो वो फिर उसको लड़खड़ा के गिर सकता है, दर्द ज्यादा हो सकता है, इसलिए वो चाहता है कि उसका पोता उसको धीरे धीरे चलवाए जिससे अपनी बॉडी को एडजस्ट करके चले और उसे परेशानी ना हो। तो स्लोली स्लोली जो काम हम करते हैं, यानी जिसमें हम जल्दबाजी हड़बड़ी नहीं मचाते हैं,
उसमें कठोरता कर्कशता नहीं होती है, तो उसके पीछे हमारी भावना एक ही होती है कि हम किसी भी तरह से सुविधा पूर्वक बिना किसी खतरे के, बिना किसी टूट फूट के, बिना किसी परेशानी के अपनी मंजिल पर आराम से पहुंच जाए। तो ये कुछ सूक्ष्म व्याख्या है, डिटेल में आप वीडियो में सुन लेना। तो परेशानियों से बचाना स्लोली स्लोली चलने के पीछे एक मुख्य कारण होता है। तो यही व्यक्ति यहाँ यही कर रहा है, तो उसको लगता है कि अस्पताल की जो हैवी हैवी दवाइयाँ खाने की बजाय उसको वो जो काढ़ा है, दूध है, इस किस्म की जो दवाइयाँ जिन्हें खाने से ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और वो ठीक भी हो जाएगा, तो वो लोग भी साथ देनी चाहिए ताकि वो उसको आराम से सुधर सके। तो जाहिर है कि अब आपको कुछ समझ आ गया होगा कि हमने ये रूब्रिक क्यों चुना है। तो इसके बाद अगले दिन यानी 18 जून 2020 को सुबह 9:21 पर इसने फोन किया, जो रात को किया उसके सुबह सुबह कर लिया। पहले हम उस ऑडियो को सुनते हैं। मैं बोल रहा हूँ रात को, वो मैंने पल्स 200 ली थी। आप खुद बोल रहे हो क्या? हाँ जी, खुद ही बोल रहे हो, मरीज जो थे पेशेंट? हाँ, पेशेंट ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी। तो रात को आपकी हालत बड़ी खराब थी? हाँ, तो खराब लग रही थी। तो क्या रहा अभी? अभी मैंने वो जो पल्स 200 ली थी, पल्स भी लगा, पल्स 200। हाँ जी, वो चार बूंदे डाले थे। हाँ हाँ, मेरे गले में सोते वक्त जो चुभन होती थी वो नहीं हुई। हाँ हाँ, और जैसे बीच में जांच खुल जाती है वो चीज नहीं हुई, मेरी नींद आई है पूरी। आई है ना, ठीक ठाक। हाँ जी। अब आप खुद ही देखो अस्पताल और हमारे में कितना अंतर है। हाँ जी, बहुत ज्यादा है ना। हाँ जी। हाँ, और खांसी वैसे ही है, मेरी खांसी ज्यादा है। नहीं, फिर भी उतना दम नहीं घुट रहा होगा ना जैसे घुट रहा था पहले? हाँ जी, हाँ जी। उतना दम तो नहीं घुट रहा होगा ना जैसे पहले घुट रहा था आपका? नहीं, उतना नहीं, उतना नहीं, उतना नहीं है, तो कम है पहले से थोड़ा, लेकिन है खांसी। तो अभी सिर्फ पल्सेटिलाई खाई है ना आपने? हाँ जी, पल्स 200 ही ली थी मैंने। उसको उसके बाद मेरे को एक चीज ऑब्जर्व हुई थी, मेरी बॉडी में ना थोड़ी जैसे गर्मी से निकलती है हीट, वैसा कुछ फील हुआ था मुझे। अच्छा, अब इसकी वजह से था या और दवाइयों की वजह से था वो पता नहीं। नहीं तो अभी एलोपैथिक तो नहीं खा रहे ना फिर? अब छोड़ दिए क्या? नहीं, एलोपैथिक खा रहा हूँ मैं। अच्छा, एलोपैथिक भी खा रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, खा रहे हो तो जितना कम कर दोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ जी। और अभी क्या कंडीशन की? गले में दर्द है बहुत ज्यादा, या तो बहुत ज्यादा खांसी भी है उस वजह से। हाँ, वो है। फिर भी वो नींद आ गई ना, तो इसका मतलब है कि आप उसको अटकन वटकन उतनी ज्यादा गले में, वो कांटा सूजन वजन जो भी है वो उतनी ज्यादा नहीं लग रही है। चेस्ट भी आप कह रहे थे कि मेरा सांस नहीं आएगा दोबारा, ऐसे कुछ आपको बता रहे थे आप। हाँ जी। उसमें बड़ी, तो वो सब कैसा है? वो मुझे बीच में ऐसी दाग नहीं खुली चेस्ट में, जैसे हो रहा था ना। आप मुझे बताओ टोटल मिला के आप क्या कह सकते हो अपने आप को कि मैं पहले से बेटर हूँ? पहले से मैं बेटर हूँ, बेटर हूँ ना। तो अभी आपने सिर्फ पल्सेटिला ही लेनी है, कुछ बदलना नहीं है दवाई को। अच्छा, ठीक है। ये हर, और जब आपको लगे कोई समस्या आ रही है तब फिर आप मुझसे बात कर लेना। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं इसमें देखेंगे, बाद में बताएंगे अब आपको। तो ये जो पल्सेटिला है ना, यही लेते रहो, हर 2 घंटे के बाद एक खुराक ले लो, ठीक है? ठीक है। हाँ, जैसे ले रहे थे, ठीक है, है ना। अच्छा डॉक्टर, एक चीज़ और पूछनी थी मैंने आपसे। देखिए, जब मेरे को हुआ तो मेरे घर में भी सबको सिम्टम इस तरह के हैं, खांसी, गला दर्द, वो सब चल रहा है। उसके लिए कुछ मेडिसिन बता दो मेरे को कि वो स्टार्ट कर दें। थैंक यू, करके फिर मेरे को बता देना, बात कर लेना उस वक्त, ठीक है? ओके, थैंक यू। तो इस ऑडियो में आपने सुना कि हमारी दवाई मतलब पल्सेटिला, उसका बहुत ही अच्छा असर हुआ, जो कि अस्पताल के इलाज से भी नहीं हो रहा था। अभी रोगी को अच्छा महसूस हो रहा है, परंतु कोरोना की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए उसी दवाई को हमने लगातार बार बार खाते रहने को कहा है। इस ऑडियो में यह अपने परिवार के बारे में भी चिंतित दिख रहा है। यह भी पल्सेटिला का एक मुख्य लक्षण है कि वो अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है, हाउस होल्ड मैटर्स, डोमेस्टिक मैटर्स के बारे में बहुत चिंतित रहता है,
परिवार की उसको परवाह होती है। तो इसके बाद इसने उसी दिन शाम को लगभग 5 बजे फोन किया। यहाँ फिर हम उस ऑडियो को यानी ऑडियो नंबर 4 को सुनते हैं। अच्छा सर, अभी एक तो मेरे को भूख बिल्कुल नहीं लग रही है। हाँ। और दूसरा जैसे मैं खांसता हूँ ना, खांसी में ज्यादा डिफरेंस फर्क नहीं है, खांसता हूँ तो छाती में थोड़ा दर्द होता है। अच्छा, और हाँ जी, और नहीं, तो सुबह जो हालत थी, सुबह जो हालत थी तुम्हारी पल्स चटिला के बाद, उससे अभी क्या चेंज है अभी तक? सुबह और अब में कोई ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन कल और सुबह में काफी फर्क था। कल और सुबह में काफी फर्क था, पर जो सुबह हालत थी वैसे ही है। हाँ जी, वो हालत वैसी है, नहीं लग रही बिल्कुल भी। बीच में लेटे हो तुम, नींद वींद आई है थोड़ी बहुत तुम्हें? नहीं आई। हाँ जी हाँ, मैं 2 घंटे सोया हूँ। तो उस 2 घंटे में जो रात को हुआ था वैसे ही हुआ? नहीं, वैसा नहीं हुआ मेरे को। नहीं हुआ ना, तो अभी इसको छेड़ना नहीं है हमारे को कुछ भी। हाँ जी। हाँ, अभी तुम पल्सेटिला ही ले रहे हो? हाँ जी। नहीं तो सुबह कल तुमने क्या खाया और आज क्या खाया, ऐसे देखो ना। आज मैंने देखो कल भी ऐसे है? जैसे कल नाश्ता किया था वैसे ही किया था, बट अभी जैसे दोपहर को भूख बिल्कुल नहीं लगी। अब हमें दोपहर का खाना अभी तक नहीं खाया गया मेरे से। नहीं तो ग्लूकोज वगैरह लो ना आप, डायबिटिक तो नहीं है ना? हाँ जी, डायबिटिक तो नहीं हो? नहीं, डायबिटिक नहीं है। तो ग्लूकोज ले लो, कुछ फ्रूट्स ले लो। अच्छा ठीक है। हाँ, कोई मीठा आइटम, दलिया वलिया ले लो, मीठा दलिया जैसे होता है। उसमें एप्पल वगैरह ले सकता हूँ? सारे ले सकते, जो भी आपको अच्छा लगता है। चलो ठीक है ठीक है। तरबूज नहीं लेना? ठीक है, तरबूज नहीं लूंगा। हाँ, बाकी सारे खा सकते हो आप। ठीक है, अभी कुछ करना नहीं है क्योंकि अभी आपकी हालत स्टेशनरी हो गई है। हाँ जी। ठीक है ना, वापस तो गई नहीं है। हाँ जी। और अभी आप जैसे बोल रहे हो, उस वो आवाज में बड़ा डिफरेंस है कल की आवाज में, रात की आवाज में। हाँ जी, हाँ जी। तो अंदर से स्ट्रेंथ तो आई है ना पहले से कुछ ना कुछ? हाँ जी, कुछ ना कुछ। हाँ, तो ये ग्रेजुअली बेटर हो रहा है। अभी आपका इतने टाइम से चल रहा था गड़बड़, तो उससे तो अच्छा है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे बेटर होगा। बाकी कुछ दिक्कत होगी तो नहीं, अभी किसी की जरूरत है नहीं तुम्हारे को, बस पल्सेटिला ही ले सकते हो तुम एक दो बार। और तुमसे कितने बार लिया सुबह से पल्सेटिला? मैंने 2 बार लिया। हाँ ठीक है ना, अभी तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। आपको इतनी देर 4-5 मिनट मेरे से बात करते हो, एक बार भी ऐसी खांसी नहीं आई है? हाँ जी, वो ना शरीर में जैसे जा रही है, शरीर में जा रही है, फिर भी आपका वो दम नहीं घुट रहा है रात जैसा। हाँ जी, नहीं घुट रहा ना? ना तो चेस्ट की स्वेलिंग ऐसे धीरे धीरे ही जाएगी। अच्छा, 4-5 दिन लगे, हफ्ता लगे, जैसा भी लगेगा। अभी दवाई ठीक है ये पल्सेटिला, आप खाने पीने में कुछ हल्का फुल्का डाइट ले लो, जो लिक्विड डाइट आसानी से खाई जा सके। अच्छा ठीक है। हाँ। रोटी रोटी खा रहा हूँ, सुबह तो रोटी खाई थी मैंने नाश्ते में। हाँ रोटी खा लो, कोई बात नहीं। रोटी बुखार कितना है? बुखार 99.5 आ रहा है। हैवी मतलब बहुत हार्ड खाना मत खाना, जो देर में हजम होने वाला खाना कोई आइटम मत खाना। हाँ, मतलब दलिया है, खिचड़ी है, दो डबल रोटी है, फ्रूट्स हैं, रोटी भी लेनी है तो एक रोटी, हाँ नारियल पानी भी ले सकते हो, ग्लूकोज वगैरह ले लो जिससे आपके अंदर ताकत आ जाए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो। हाँ, ऐसे उससे बॉडी में ताकत रहेगी। तो दिक्कत होगी तो मुझको बता देना फिर। ठीक है ठीक है डॉक्टर, ठीक है। चलो अभी कुछ करो नहीं। ठीक है डॉक्टर। और कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आपने भेज दी ना मुझे? हाँ जी। अच्छा अच्छा, वो स्लिप जो भेजी है, ठीक है। हाँ जी। और जब टेस्ट कराने को, तो गवर्नमेंट आपके टच में है नहीं है? अभी तो टच में नहीं है अभी। क्यों, पॉजिटिव होने के बाद टच में नहीं रहती गवर्नमेंट आपसे? नहीं, वो शुरू में 3-4 दिन फोन आते रहे। हाँ। और वो पोस्टर लगा के चले गए घर के बाहर। हाँ। के बाद कोई टच नहीं है। तो अभी फिर कब वो दोबारा रिपोर्ट करना है गवर्नमेंट को? वो 8 से 10 दिन के बीच में करते हैं। नहीं, वो करेंगे या आप करोगे उनको? मैं ही करूँगा, मेरा जैसे फीवर वगैरह स्टेबल कम हो जाएगा। हाँ। उसके 2-3 दिन बाद मैं ही करूँगा उनको फोन। अच्छा, हाँ तो आप करोगे और जब नेगेटिव आ जाएगी तो भेजना है मेरे को। चलो ठीक है, ओके।
इस ऑडियो में आपने सुना है कि दवाई जारी रखने के बाद भी इसकी कुछ समस्याएं बनी हुई हैं, परंतु इसकी हालत कल जितनी खराब नहीं है। नींद में भी झटके नहीं लगे हैं। यह एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि रिकवरी चल रही है। चाहे इसको स्वयं पता ना भी लग रहा हो, यानी ये मान नहीं रहा है कि रिकवरी चल रही है, पर मैंने ऑब्जर्व किया है कि इसकी आवाज में पहले के मुकाबले में अब काफी स्ट्रेंथ है, मजबूती है, खांसी कम है, दम नहीं घुट रहा है। तो इसी कारण से यानी हमें पक्का हो गया कि दवाई काम कर रही है, रिकवरी चल रही है। तो इसी कारण से फिर इसको पल्सेटिला जारी रखने को कहा गया है, क्योंकि ये सब इसलिए कर रहे हैं कि कोरोना में जो वाइटैलिटी है रोगी की वो बहुत तेजी से डाउन चली जाती है, तो इसलिए पल्सेटिला को बार बार दिया जा रहा है। लेकिन रूटीन प्रैक्टिस में जो आम बीमारियां होती हैं, जहां इतनी सीरियसनेस और अर्जेंसी नहीं होती, जहां बीमारी अपना रंग रूप बड़ी तेजी से नहीं बदलती है, तो वहां दवाइयां बार बार देने की जरूरत नहीं होती है। तो जब तक किसी दवाई से आराम आता रहेगा, यानी दवाई काम करती रहेगी, चाहे कितना भी धीरे धीरे आराम लग रहा हो, तब तक हमको दवाई नहीं बदलनी होती है। ये एक थंब रूल है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। तो इसके बाद इसने अगले दिन मतलब 19 जून 2020 को सुबह 9 बजे फोन किया। अभी हम उस ऑडियो को सुनते हैं, ऑडियो नंबर 5। हेलो, नमस्ते डॉक्टर। हाँ जी, बताओ डॉक्टर। रात को फिर वैसे हुआ, रात को पूरा सो नहीं पाया मैं। अच्छा, 5 बजे के बाद थोड़े बहुत नींद आई, उसमें भी मेरे को ना जैसे। तो आपने शाम को कभी फोन क्यों नहीं किया? मैंने कहा था आपको अच्छा कर लेना। शाम को मुझे कोई दिक्कत हुई? अच्छा ठीक है, कब दिक्कत शुरू हुई? मैं जब 12 बजे के 12 बजे सोने लगा, उसके बाद दिक्कत शुरू हुई। अच्छा, पूरी रात 5 बजे तक सुबह ऐसे ही चलता रहा। अच्छा, 5 बजे फिर नींद आई है, बट उसमें भी कई बार जाग के एकदम से उखड़ गई है और शरीर सुनसा फील हो रहा है। तो नॉर्मल बैठता हूँ तो मेरा ऑक्सीजन लेवल ठीक रहता है। नॉर्मल बैठते हो तो क्या ठीक रहता है? ऑक्सीजन लेवल मेरा ठीक रहता है। ऑक्सीजन लेवल? हाँ जी। मतलब सांस अच्छा आता है? हाँ जी। अच्छा, सोने के बाद मेरा शरीर सुन्न होता है, लेटने से खराब होता है ना? हाँ जी। अच्छा, तो रात में ली थी आपने पल्सेटिला एक आध बार? हाँ, मैंने ली थी। ठीक है, हाँ हाँ। अच्छा, वो उससे नहीं हुआ ना? ठीक, कोई बात नहीं, अभी आप ले लो एक बार और मुझको 1 घंटे के बाद बता दो। ऐसे मतलब जो भी होगी दवाइयाँ फिर आगे मैं मंगा लूँगा जैसा भी होगा। तो इस ऑडियो में आपने सुना है कि इसको रात तक कोई तकलीफ नहीं हुई थी, केवल रात को थोड़ी परेशानी हुई थी, इसी कारण से मैंने इसको अभी पल्सेटिला ही खाने को कहा है। परंतु मुझे अभी शक हो रहा था कि शायद पल्सेटिला ने काम करना बंद कर दिया है, परंतु फिर भी दवाई बदलने से पहले मैं कुछ देर और इंतजार करना चाहता था, इसीलिए मैंने इसको 1 घंटे की बात करी कि अगर 1 घंटे में इसको अच्छा नहीं लगेगा तो मैं बाजार से फिर कुछ नई दवाइयां मंगा लूंगा, जो कि मेरे दिमाग में चल रही थी कि शायद इसको इन दवाइयों में से किसी एक की या ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद इसने शाम को लगभग 6 बजे फोन किया, जबकि मैंने इसको 1 घंटे के बाद ही फोन करने को कहा था। तो इससे पता चलता है कि इसको अंदर से उतनी परेशानी और अर्जेंसी महसूस नहीं हो रही है, यानी पल्सेटिला अभी भी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। तो अभी हम अगले वाला वीडियो सुनते हैं, ये अभी इस वीडियो नंबर 6 को सुनते हैं जो इसका फोन किया है। हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो। हाँ जी डॉक्टर। हाँ नमस्कार। दिक्कत तो डॉक्टर रात को बताई थी ना आपको कि नींद नहीं आई। हाँ तो शरीर 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 सुनता होने लग जाता है। आपने सुबह बताया था, एक घंटे बाद ही बता देना मुझे। मैंने फोन ट्राई किया था डॉक्टर। कब कहाँ ट्राई किया आपने? तो तीन चार बजे के आसपास कर रखा है। नहीं उससे पहले भी किया था डॉक्टर मैंने ना डॉक्टर दवाई लेने के बाद ना दो टाइम मैं दो घंटा सोने की कोशिश किया लेटा रहा हूँ। हाँ। लेकिन वही मेरा जो बॉडी है ना सुन होने लग जाती है। हाँ, तो इसीलिए कहा था ना एक घंटे बाद बता देना ताकि कुछ और दवाई दी जा सके। तो इसको आप लाइटली क्यों ले रहे हो? लाइटली मतलब ना इसको थोड़ा सीरियस लो। जब एक घंटे बाद कह रहा हूँ तो आप बता दो, नहीं तो फिर हम दवाई नई दवाई देंगे आपको, उसी के सारे थोड़ी टिकाएंगे ऐसे। हाँ जो एक घंटे का मतलब ये होता है कि हम इसका असर देखेंगे, नहीं होगा तो हम बदलेंगे दवाई को। हाँ जी। तो अभी जो फर्स्ट डे हालत थी उसके मुकाबले से ज़्यादा खराब है वैसी है या उससे थोड़ा सा फिर भी कम है? डॉक्टर मैं खांसी वांसी की बात करूँ फीवर की वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को सोते जो नया सिम्टम कल से आया ना वो सुन होता है शरीर वो है वो सेम है। रात को भी नहीं सोया मैं और दिन में भी कोशिश की थी मैंने सोने की वो लेके मेडिसिन। हाँ। दो घंटा ऐसे लेटा रहा नींद नहीं आई। जैसे आने लगती थी शरीर सुन होने लग जाता है मेरा। तो सुन होता है तो फिर कुछ घबराहट होती है दिमाग में? हाँ घबराहट भी होती है बिल्कुल। हाँ जी। कैसे मतलब क्या लगता है एकदम? जैसे कि मेरी हार्ट बीट बढ़ गई हो ऐसा लगता है। अभी आप लो, अभी अब 6 बजने वाले हैं और दुकान 7-8 बजे तक तो खुलती है, आपने मालूम कर लिया? हाँ जी खुलती है 7-8 बजे तक। कब तक खुलती है? 8 बजे तक खुलती है। हाँ तो सही 7 बजे दोबारा बात कर लेना, फिर जो दवाइयाँ होंगी मैं लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, इसको लाइटली मत लेना। रात रात में फिर ऐसे उल्टा पुल्टा कुछ होता है तो फिर दिक्कत होगी ना आपकी को। आप कहोगे कि भाई हमने आपके ट्रीटमेंट में था, आज का पूरा दिन निकाल दिया हमने। तो इस ऑडियो में आपने सुना है कि ये खांस रहा है पर नंबनेस और सोने में दिक्कत की शिकायत कर रहा है, परंतु अभी भी खांसी बुखार इसका ठीक है। पर अब यह नए सिम्टम नंबनेस जो सुनपना हो जाता है उससे घबराया हुआ है। अभी भी रूटीन ही दवाई दी गई है क्योंकि ओवरऑल तो ठीक है ये। तो अभी इसको जो भी लक्षण आए हुए हैं उनको आए हुए केवल एक दिन हुआ है, परंतु फिर भी यह पहले के मुकाबले में कुछ ठीक है, इसीलिए हमें नई दवाई देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अभी कोई इमरजेंसी नहीं है कि तुरंत हम दवाई बदलें। इसके बाद फिर इसने 2 घंटे के बाद मतलब 7:45 बजे के लगभग फोन किया। तो अभी हम उसको सुनते हैं, ऑडियो नंबर 7। हेलो। हाँ आप तो क्या चक्कर, आप तो बात नहीं करते हो तो फिर मुश्किल होती है ना, रात को फिर दवाई की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर मैंने अभी दवाई ली है तो फिर उसके बाद मुझे थोड़ा ठीक फील हुआ है, खाना भूख भी लगी। अरे महाराज ठीक तो हुआ है तो बात नहीं करनी चाहिए क्या? नहीं डॉक्टर मैं थोड़ा लेट के देख रहा था कि लेट के मुझे नींद आ रही है नहीं आ रही। अच्छा। मुझे दिक्कत ज्यादा थी लेटने से, नींद नहीं आ रही थी, मेरी बॉडी ना नंब होती है लेटने से। हाँ हाँ। जस्ट मैं अभी खाना खा के लेटा ही था। हाँ। मैं एक बार लेट जाऊँ चेक कर लूँ कि बॉडी नंब तो नहीं हो रही है मेरी। नहीं नहीं पर उस टाइम 5 बजे जब आपने फोन किया 6 बजे तब भी खांसी थी काफी ज्यादा, आपको दिक्कत महसूस हो रही थी? अभी तो कुछ फ्रेश नजर आ रहे हो आप। खांसी में मुझे इतना ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, खांसी अभी भी हो रही थी थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा। नहीं ओवरऑल दवाई खाने के बाद कुछ फ्रेश लग रहा है? नहीं लग रहा, थोड़ा फ्रेश लगा, पहले से मुझे फ्रेश लगा है, बिल्कुल लगा है। हाँ वही लिया मैंने। देख लेना जरूरत पड़े तो रात में लेते रहना। ठीक है, मतलब ये 2 घंटे बाद लेनी है ना? नहीं नहीं लेनी नहीं है। हाँ आपको जरूरत लगे कि मेरी हालत फिर वापस की तरफ जा रही है तो लेनी है। अच्छा। नहीं कुछ अदरवाइज कोई दवाई नहीं लेनी होती। अच्छा। हाँ और सुबह फिर मेरे को बात करना जब दुकानें खुल जाती है ना आपकी 9 बजे 10 बजे जब भी। हाँ जी डॉक्टर। तब बात करना। हाँ, अब ये आपकी जिम्मेवारी है, मैं नहीं करूंगा फोन आपको ना, आपका मरीज का काम होता है, डॉक्टर का काम थोड़ी होता है। डॉक्टर मैं वो टेस्ट कर रहा था, मैं लेटा ही था कि मैं देखूं मेरी बॉडी नंब है नहीं, वो ठीक वो बात ठीक है आपकी। मान लो दुकान बंद हो जाएगी तो फिर हम क्या क्या करेंगे? फिर तो बात करना ना करना बराबर ही है। जब दवाई नहीं होगी हमारे पास तो बात करो या ना करो वो तो एक ही बात हुई। हाँ जी।
इसलिए मैं अभी मेरे को ध्यान आया एकदम जैसे मरीजों से फ्री हुआ, मैंने कहा सर करूँ बीच में टाइम निकाल के। चलो अब आपका जिम्मेवारी है, ठीक है, आप मुझे बताना है। और जब आपका ये टेस्ट कब होगा उसका द्वारा जो आपके ये होता है ना डॉक्टर? अभी फीवर आ रहा है मुझे 99 समथिंग आ रहा है, तो 3 दिन जो है नॉर्मल रहेगा तो टेस्ट बोलते हैं लोग। हाँ कोई बात नहीं, मतलब जितना फीवर चल रहा था उससे कुछ डाउन तो गया होगा कुछ पॉइंट? हाँ जी हाँ जी जा रहे हैं ना, पॉइंट डाउन गया है। हाँ जी हाँ जी, 100 से 99 पे आया है। आया है ना, तो ऐसे ही ग्रेजुअली जाएगा ये। हाँ जी हाँ जी ठीक है, चलो कल बात करेंगे फिर। अभी आपने सुना कि इसको रूटीन दवाई से भी तुरंत आराम आ गया है, तो कुल पूर्णता में अपने आप को ही ठीक महसूस कर रहा है, यानी रूटीन दवाई से भी वेल बीइंग की फीलिंग आ गई है इसको। तो इस रोगी का यही मूलभूत रूब्रिक है, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड स्लोली, यानी रूटीन दवाई जैसी मामूली सी दवाई भी इसको आराम पहुंचा रही है, यानी इसको ये लग रहा है कि मुझको कुछ मिल गया है जो मुझे और आगे सुधारेगा। इसकी यही फीलिंग इसको संतुष्टि देती है कि इसको कुछ चाहिए था जो इसको आगे बढ़ाए, इसको आगे सुधारे, और वो इस रूटीन दवाई के रूप में मिल गया। तो इसको तो नहीं पता कि ये दवाई क्या है क्या नहीं है, इसमें कितनी मेडिसिन है, कितनी पावरफुल मेडिसिन है, क्या इसका असर होगा, पर इसको जो चाहिए था कि उसको कुछ मिले जो उसको आगे बढ़ाए, तो वो हमने इसको दे दिया। यानी एक साइकोलॉजिकल इसकी जो डिमांड थी, नीड थी, वो हमने पूरी कर दी है। तो इसी दोनों की मैचिंग होने से इसमें और ज़्यादा सुधार हो गया, यानी ये इसकी अपनी विल पावर है जिसके कारण के ये और ज़्यादा सुधरा है। तो इसका मतलब है कि जब भी इसको थोड़ा सा भी हम सहारा देते हैं इस आश्वासन के साथ कि इससे वो और सुधर जाएगा, तो वो रूटीन मेडिसिन में भी सुधरने लगता है। इसका मतलब है कि वो हमारे प्यार दुलार से भी स्वयं को अच्छा महसूस करने लगता है, और यही पल्सेटिला की खासियत होती है। वो प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकती है या कर सकता है। इस भावना का रूब्रिक है एब्जॉर्ब्स अफेक्शंस, मतलब कि जितना मर्जी उसको प्यार दो वो सब अपने अंदर सोखता जाता है, सोखता जाता है, यानी प्यार लेने की उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। जैसे सैंड में पानी डालो और डालो और डालो और डालो, सारा पानी सैंड में चला जाता है और फिर लगता है सैंड ड्राई है। तो यानी इसको जितना मर्जी प्यार दे दो, इसको लगता है मुझे और प्यार चाहिए, और प्यार दो, और प्यार दो, यानी प्यार से सब काम करो इसके साथ तो ये सही रहता है। तो मतलब उसको कितना भी प्यार करो तो वो सब उसको कम ही लगता है, उसके प्यार पाने की भूख कभी भी खत्म नहीं होती। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो कभी भी उसका नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसी कारण से ये व्यक्ति धीरे धीरे अपने गंतव्य तक ले जाया जाना चाहिए, यानी प्यार से ले जाया जाना चाहिए। जब हम धीरे धीरे चलते हैं या धीरे धीरे कोई कार्य करते हैं तो हम किसी भी प्रकार के नुकसान होने की संभावना से बच जाते हैं। इसी भावना को दर्शाने के लिए रिपर्टरी में इस रूब्रिक को जोड़ा गया है। अब ऊपर से देखने पर दोनों रूब्रिक, मतलब एब्जॉर्ब अफेक्शन और दूसरा रूब्रिक कैरिड डिजायर टू बी कैरिड स्लोली, बिल्कुल अलग अलग लगते हैं, परंतु अगर दोनों रूब्रिक की हम सूक्ष्मतम स्तर तक व्याख्या करें तो दोनों रूब्रिकों का एक ही अर्थ निकलता है, जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया। इसीलिए हमें हमेशा ही हर रूब्रिक की सूक्ष्मतम स्तर तक व्याख्या करनी चाहिए। तो इस तरह हम पाएंगे कि एक दवाई की जो संपूर्ण प्रकृति है, संपूर्ण छवि है, वो कुछ ही रूब्रिकों में सिमट जाएगी, जिससे दवाई का चुनाव करना बहुत ज्यादा सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और इस प्रकार जो रिपर्टरी में बहुत सारे रूब्रिक दिए गए होते हैं,
हजारों हजारों रूब्रिक दिए गए होते हैं, उनको याद रखने के झंझट से हमें मुक्ति मिल जाएगी। और इस ऑडियो में आपने सुना है कि ये स्वयं को इतना अच्छा महसूस कर रहा है कि स्वयं मुझे फोन करके बता भी नहीं रहा, जबकि कोरोना के उस दौर में पूरे देश में कितने भय का वातावरण था, हर इंसान घबराया हुआ था, जो स्वस्थ था वो भी घबराया हुआ था कि कोरोना ना हो जाए, और जिसको हुआ हुआ था तो उसके तो भय की कल्पना आपको मालूम है, आप सबने उस दौर देखा है, जबकि ये मुझे फोन करके भी नहीं बता रहा कि वो ठीक है। तो जबकि इसके बारे में मैं स्वयं इससे ज्यादा चिंतित हूं कि पता नहीं इसको क्या हो रहा होगा, तो इसी कारण से मैं खुद अपने आप इसको फोन करके इसका हालचाल पूछ रहा हूं। तो इसके बाद इसने अगले दिन दोपहर 1 बजे फोन किया। हमें हर चीज में केस टेकिंग लेनी होती है, हर चीज से पेशेंट की फीलिंग को समझना होता है। अब 1 बजे फोन करने का मतलब है कि इसको मेरी ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर अर्जेंसी होती तो बात बात पे फोन करता ये, तो 1 बजे फोन किया इसका मतलब है कि इसको जरा सा भी दहशत नहीं है, पैनिक नहीं है। ये ऐसा तभी हो सकता है कि जबकि रोगी स्वयं को अंदर से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हो। अभी आप इसका ये ऑडियो सुनते हैं, ऑडियो नंबर 8। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्ते डॉक्टर। हाँ जी नमस्ते डॉक्टर, मेरे को ना 3 बजे में लेटा था रात को, दस बजे 8 तक तो सो ही गया था मैं। अच्छा हाँ, फिर 3 बजे में जब लेटा ना, थोड़ी नींद आनी शुरू हुई मेरे को। हाँ। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी वाइब्रेशन, बहुत जबरदस्त वाइब्रेशन हो गया है। अच्छा। और जैसे तूफान था चल रहा हो। हाँ। कुछ 10 सेकंड तक। हाँ। बहुत तेज तूफान चल रहा हो। अच्छा। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बंद हुआ और वो एक साइलेंट होके ना एक जैसे अंधेरे की तरफ जाने लगा और सुनता होने लगा, सुन नहीं मतलब जैसे नींद आती है एकदम से गहरा जाने लगा एकदम से। हाँ। और शरीर जो है बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे मतलब अलग हो गया दिमाग से, और ऐसा कुछ फीलिंग ऐसे आ रही थी। हाँ। तो फिर आंखें बंद होती है जागते हुए, मतलब जाग रहे थे उस टाइम, आप जागे हुए थे उस टाइम। हेलो हेलो, जाग रहे थे उस टाइम, मतलब जाग रहे थे क्या उस टाइम, उस टाइम जाग रहे थे। हाँ, मैं 3 बजे सोने के लिए लेट गया। अच्छा हाँ, लेट बंद की, ठीक है। मेरी जो वाइब्रेशन हुई है ना, कम से कम 15 सेकंड इतनी जबरदस्त वाइब्रेशन हुई है दिमाग के अंदर। हाँ हाँ, तूफान चल रहा हो, खूब बहुत तेज तूफान चल रहा हो और वाइब्रेशन हुई है। अच्छा। और फिर वो बंद हो गया धीरे 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 हुआ वाइब्रेशन, और फिर जैसे जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है ना, उसको सुन जाता है कि दिमाग वो हो गया, होना शुरू हो गया। ठीक है। तो कितनी देर रहा वो? और फिर उसके बाद मैंने जबरदस्ती आंखें खोली अपनी। हाँ। खोल के फिर खड़ा हो गया मैं। अच्छा। और उसके बाद मेरे को नींद नहीं आई, और जाके 6 बजे फिर मैंने लेट गया। हाँ। 6 बजे मेरे को, मतलब रात के 3 बजे से 6 बजे तक आप जगे रहिए कह रहे हो आप? हाँ, फिर मैं परेशान ही रहा, मतलब पर वही मतलब वो चलता रहा, वही जो भी आपका नंबनेस बिल्कुल। आपके डॉक्टर आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे को। नहीं मतलब शरीर और बॉडी अलग होने वाला फीलिंग आपकी फिर बनी रही। हाँ जी, शरीर और आप कह रहे हो ना, ऐसे लगा जो शरीर अलग हो गया, बॉडी अलग हो गई, सिर अलग हो गया, वो मतलब जो भी अबनॉर्मल फीलिंग थी वो 6 बजे तक बनी रही थी या 6 बजे तक ही बनी रही थी? अच्छा। वो सिर्फ मेरे को 30-15-25-30 सेकंड तक रही थी बस। अच्छा। जब मैं जाग के उठ गया तो मैं नॉर्मल हो गया। अच्छा अच्छा। तो फिर मैं ऑब्जर्व करता रहा कि मेरे को नींद आ रही है, तो मैंने अपना वो लगाया पल्स मीटर, ऑक्सीमीटर। हाँ। कि मेरा लगा के सो गया मैं, और मैं ऑब्जर्व करता रहा कि मेरा कम क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है या पल्स लेवल कम हो रहा है। हाँ। बट वो लगाने के बाद मैं करता था चेक, तो धीरे धीरे नींद आती थी, तो मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं होता था, ठीक था, पल्स भी अराउंड 70 के करीब था, बट नींद नहीं आ पा रही थी मेरे को वो ऑक्सीमीटर लगा के।
क्योंकि ध्यान उधर था ऑक्सीमीटर की तरफ किया, ये कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने ऑक्सीमीटर हटा के 5:30 के करीब 37 हो गया मैं, 5:30-6 बजे के करीब फिर मेरे को थोड़ा नींद आना शुरू हुआ। तो फिर मैं सोया तकरीबन 3 बजे जाग के, कुछ तकरीबन 11 बजे तक सोया। ठीक है, मतलब जब आप बिल्कुल ये सिक्योर आपको लग गया कि भाई अभी सब गड़बड़ कोई नहीं है, मेरे को ऑक्सीजन भी ठीक है, पल्स भी ठीक है, तो फिर आप निश्चिंत होकर सोए। हाँ, फिर तो मैंने ये कहा, देखो नहीं सो रहा था तो बहुत परेशान बहुत हो रहा था, थकावट बहुत लग रहा था, तो फाइनली सोना तो था ही। हाँ, तो अभी अभी आप 11 बजे सो के उठे हो, तो अभी 11 बजे से अभी तक क्या स्थिति चल रही है? हाँ जी, अभी 11 बजे सो के उठ गए ना आप, 1.5-2 घंटा हो गया उठे हुए। हाँ जी, तो अभी 1.5-2 घंटे में क्या स्थिति चल रही है आपकी? हाँ, फिर मैंने अपना नाना धोना किया। हाँ, और गरारे वरारे ये सब चीजें करके। हाँ, तो उसके बाद मैं जब एक आधा घंटा ये काम सब कर किया। हाँ, तो मेरा BP सडन डाउन हो गया था। अच्छा, 135-165 के करीब डाउन था, नीचे वाला डाउन था। अच्छा, मतलब वो किससे चेक किया था आपने, इलेक्ट्रॉनिक वाले से, डिजिटल वाले से? डिजिटल वाले से। हाँ जी, हाँ हाँ, उसमें तो सब गड़बड़ी रहता है। नहीं, आपको डाउन कैसे पता लगा था, जो बिल्कुल आप वीक हो गए थे, कमजोर हो गए थे? हाँ जी, आपको ये कैसे पता लगा था मेरा, मैं इसको चेक करूँ मेरा डाउन जा रहा है? सडनली मतलब ऐसे हो गया था कि जा नहीं है शरीर के अंदर, मैं चल नहीं पा। अच्छा, एकदम अचानक से ऐसे हुआ? अच्छा, ठीक ठीक, फिर आपने चेक किया तो इतना मिला। फिर कितनी देर रहा ये सब सडन वाला, बीपी वाला, बीपी वाली प्रॉब्लम कितनी देर रही? बीपी वाला फिर मैंने नमक और पानी पिया। हाँ, और कुछ चीकू वीकू खाए 2-3। हाँ, उसके बाद मेरा तकरीबन 15 मिनट में ठीक हो गया फिर बीपी। अच्छा अच्छा, हाँ, तो अभी मतलब ठीक सा लग रहा है आपको? टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर मेरे को 98.7 कुछ आया है। तो मतलब कल से कम है ना? हाँ जी, तो ग्रेजुअली टेम्परेचर डाउन जा रहा है ना। और भूख कैसी है आज आपकी? जो पहले आपको भूख नहीं लग रही थी, आज भूख मेरे को आज सुबह तो इतनी खास नहीं लगी, पर मैंने फ्रूट खा लिया है। मतलब इसका मतलब है कि परसों से कल और कल से आज कुछ 2-4% तो बेटर हुई है ना भूख भी? हाँ जी, हाँ, इतना तो बेटर हुआ ही है। हाँ, मतलब ग्रेजुअली आप ग्रेजुअली तो बेटर नहीं आया सीन है, देखो रात वाला सीन समझ नहीं आया, वो कह नहीं सकते ना क्या हुआ होगा क्या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। ऑल ऑफ सडन क्या होता है, कौन सी दिमाग में बात आ जाती है, कुछ अभी इसके बारे में ना, इन चीज़ों के बारे में, ब्लैकआउट क्या होता है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, उसमें कई बार जर्क से भी हम लेट जाते हैं तब हो जाता है, तो बार बार वो रिपीटेड होगा ना, तो फिर तो कोई दवाई दी जाएगी इसके लिए। एक बार के लिए, बार बार अगर ऐसी घटना आएंगी तो दवाई का जरूरत है, अभी जरूरत नहीं है दवाई। ठीक है, कोई बीच में डेवलपमेंट नया होता है आपका तो शाम को मुझे बता देना, दवाई 6-7 बजे के करीब, ताकि आपकी दवाई अगर मंगाना हो तो मंगा लूँ मैं। कि डोज ले लो एक। ठीक है, एक डोज ले लो, और जैसे ही आपको ये घबराहट सबराहट, ये उल्टा पुल्टा जो भी सीन हुआ ना रात को, ऐसे कुछ घबराहट वाला सीन हो तो उसकी फिर 1-2 बूंदे मुंह में डाल लेना। ठीक है, और कोई ज़्यादा ज़रूरत लगे तो फिर मेरे को बात कर लेना, 7 बजे तक कर लेना, ताकि आपको फिर दवाई बताएं तो आप ला सको। ठीक है, ओके। इस ऑडियो में आपने सुना कि रात 3 बजे इसके दिमाग में वाइब्रेशंस का एक तूफान सा चला, जो लगभग 10-15 सेकंड चला। उसके बाद उसके बंद होते ही जैसे अंधकार से मैं डूबने लगा। उसके बाद सुबह 6 बजे तक ये जागा रहा, ताकि वो देखता रहा कि उसको क्या है, कैसे है, अपना जो भी वो लगाया था उसने वो भी लगाया। तो 6 बजे के करीब ये फिर निश्चिंत होकर सोया, तो उस दौरान इसका ऑक्सीजन लेवल नहीं गिर रहा था। मतलब ये व्यक्ति 6 बजे से 11 बजे तक, मतलब 5 घंटे बहुत अच्छी नींद में सोया है। तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब है कि इसका मन अंदर से बहुत शांत है। यही रिकवरी की निशानी है, यही हमारी सही दवाई होने का
लक्षण है, पक्का सबूत है। 11 बजे जब सो के उठा तो उसके बाद ये नहाया, तो इसको लगा कि सडनली बीपी कम हो गया है, जिससे कि अचानक कमजोरी आ गई। वो इसने नमक पानी ये वो चीकू वीकू खा के ठीक कर लिया। अब उसका बुखार तो धीरे धीरे कम हो गया है, भूख धीरे धीरे ठीक हो रही है, यानी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, भूख बढ़ रही है, बुखार घट गया है, 5-5 घंटे सो गया है। ये सब इतने पॉजिटिव लक्षण हैं जो दिखा रहे हैं कि इसको रिकवरी बड़ी तेजी से हो रही है। मतलब छोटी छोटी जो भी घटनाएं हुई हैं इसके साथ, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो इसकी टोटल पर्सनैलिटी, टोटल व्यक्तित्व धीरे धीरे सुधर रहा है। तो इसी कारण से मैंने अभी इसको रूटीन दवाई खाने के लिए ही कहा है। इसके बाद इसका फोन उसी दिन शाम 8:15 बजे आया। तो पहले हम उसको ऑडियो को सुनते हैं, यानी ऑडियो नंबर 9। नमस्ते डॉक्टर। हाँ नमस्ते डॉक्टर, खांसी में तो मेरे को आराम है। हाँ। और मेरी शाम को वो ली थी, और तो मेरे को काफी वीकनेस फील हो रही थी शाम तक बहुत ज्यादा। लेने के बाद तो आ जाती है, और भूख भी ठीक लगी है। अच्छा। और बाकी जो मेडिसिन आपने व्हाट्सएप की थी, वो लास्ट एक मेडिसिन अभी मिली नहीं है, अर्निका। चलो कोई बाकी मिल गई, बाकी अभी मिली है मेरे पास, जिसको भेजा था वो कह रहे मेरे को बाकी पहले तीन मिली। ठीक है और तो कोई नहीं लेनी है ना? नहीं नहीं अभी कोई दवाई नहीं खानी, दवाई खा बस जो खा ली। और अभी बुखार उखार कितना है? बुखार नॉर्मल है अभी। नॉर्मल कितना? 99 से कम है। अच्छा, मतलब सुबह फिर देख लेना, सुबह फिर भी देख लेना एक बार। और हाँ जी हाँ जी, वो मैं चेक कर ही रहा हूँ। मतलब जो दिन में हालत थी तुम्हारी उससे कितनी ठीक है? दवाई लेने के बाद तो डॉक्टर एनर्जी आती है एकदम से। सर वो एनर्जी आती कहाँ से है? एनर्जी आती है, वो हमारी बीमारी ठीक होती है तो एनर्जी आती है। अच्छा हाँ, ये दवाइयों में थोड़ी होती है एनर्जी, वो तो आपकी बॉडी में पहले से ही होती है, पर वो सिस्टम उसको यूज नहीं कर रहा होता, वो बीमारी, तभी तो बीमार होते हैं हम लोग। तो चलो बस अभी कुछ करना नहीं है, ठीक है, सुबह बात करना फिर मेरे से। एलोपैथिक वाली दवाई तो ले लो ना, मैं AZ-500 है वो तो ले लो ना, उससे कम जो है। आप शुरू से अगर ले रहे हो तो ले लो, नहीं ले रहे हो तो मत लो। मैं ले रहा हूँ, शुरू से ले रहा हूँ। हाँ तो ले लो, कोई बात नहीं जब ले ही रहे हो तो, ठीक है। हाँ पर आप देखते हो जब भी हमारी दवाई जाती है मुंह में तभी एकदम तुरंत ही उसका असर होता है। हाँ होता है, जबकि एलोपैथी का ऐसे नहीं होता है, जबकि उल्टा समाज उल्टा कहता है कि होम्योपैथी धीरे काम करती है, पर हमारी तो उससे ज्यादा तेजी से करती है। पता नहीं डॉक्टर क्यों, पता नहीं क्यों आपको अभी भी नहीं पता लग रहा। आप मुझे बताओ, जब आप एलोपैथिक गोली खाते हो कितनी देर में अच्छा लगता है उससे? डॉक्टर एक दिन भी लगता है, दो लगता है। और जब हमारी खाते हो तो कितने मिनट में लगता है? 15-20-25 मिनट में। तो फिर तेज कौन सी हुई? हाँ जी तेज तो आपकी वाली होगी। बस तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो? अभी कुछ पता नहीं है, हमारी ज़्यादा तेज है, उनसे ज़्यादा पावरफुल है, उनके पास है ही नहीं कुछ भी बेसिकली इसका इलाज। अभी आप देखो, आप तीसरा दिन है, थर्ड डे है, पूरा थर्ड डे हुए नहीं है, थर्ड डे तो रात को 10-11 बजे होंगे, है ना, तभी तो खत्म होंगे ना, जब आपको 11-12 बजे दवाई मिली थी रात को। और आप अभी कितना ठीक हो गए उतने दिन में, है ना, और बिल्कुल घर में बैठ के शांति से पीसफुली एक लग्जरी के साथ। तो हमारा ट्रीटमेंट तो बहुत ज़्यादा ऊँची चीज़ है। चलो देख लेना, सुबह बात करेंगे। आप चलो ठीक है, ओके। इस ऑडियो में आपने सुना कि मैंने कई संभावित दवाई मंगा ली थी, पर किसी को भी खाने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब कि शुरू में पल्सेटिला की कुछ खुराक खाने से ही ये काफी ठीक हो गया है। शेष जब जब तबीयत बिगड़ी तब तक रूटीन दवाई खिलाने से ही इसको आराम आ गया। इसलिए हमको रोगी की दवाई बदलने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब तक एक दवाई हल्का सा भी काम कर रही है तब तक हमें उसे नहीं बदलना चाहिए, बल्कि अपनी रूटीन दवाई को ही अलग अलग तरह से रोगी को देकर रोगी की आवश्यकताओं, यानी मानसिक और शारीरिक आवश्यकताओं की
पूर्ति करते रहना चाहिए ताकि उसको लगे कि उसका इलाज चल रहा है, डॉक्टर उसकी बात को सुन रहा है। जब रोगी को ये लग जाता है कि डॉक्टर उसके इलाज में सच्चे मन से ईमानदारी से मेहनत कर रहा है तो रोगी को सुधरने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, वो जल्दी सुधरता है। इसलिए रोगी को कभी भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर उसकी परवाह नहीं कर रहा, ये बड़ा घातक होता है रोगी के इलाज में। अब जब आपको लगे कि दवाई ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है और रोगी की हालत फिर बिगड़ रही है, केवल तब ही पुनः केस का मूल्यांकन करके या तो उसी दवाई की पोटेंसी बढ़ानी चाहिए या फिर नई दवाई का चुनाव करना चाहिए। इस केस में भी आपने सुना कि कोरोना काल में हम होम्योपैथी की कुछ ही खुराकों से रोगी का बहुत ही सहजता और सुगमता से इलाज कर पा रहे थे। इसी कारण से मैं बार बार कहता हूं कि हम सभी को इस मेथड को जो मैं कर रहा हूं अच्छे से पूर्ण समर्पण से सीखना चाहिए और अपनी प्रैक्टिस में प्रयोग भी करना चाहिए और अन्य सभी होम्योपैथिक डॉक्टरों को भी इस विधि को सीखने के लिए उत्साहित करना चाहिए। तो इसके बाद इसने 15 दिनों के बाद अपने साइनस की समस्या को इलाज करवाने के लिए फोन किया। अभी हम उस ऑडियो को भी सुनते हैं, ऑडियो नंबर 10। हेलो जी, नमस्ते डॉक्टर। हाँ जी नमस्ते। पहचानिए डॉक्टर? अच्छा हाँ बताओ। हाँ डॉक्टर, मेरे को ना जैसे कोविड हुआ था मुझे, तो उससे पहले ही मेरे को साइनस का ट्रीटमेंट 2 महीने से मेरा चल रहा था। अच्छा। एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा। हाँ हाँ। तो 1 महीना तो मुझे पता ही नहीं चला था कि वो है साइनस है, तो 1 महीने बाद पता चला। अच्छा। तो मुझे अब आगे आपसे ट्रीटमेंट कराना है साइनस का। हाँ हाँ। तो अभी मेरा रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई थी इसकी, तो उसकी रिपोर्ट मेरे को भेज दो ना, फोटोकॉपी जो भी है आपकी। मतलब मैं अभी भेज देता हूँ। हाँ, शेयर साइनस का। डॉक्टर मेरे को ना जो बताया था उन्होंने, मैं उसकी रिपोर्ट भी भेज देता हूँ जो एक्सरे वगैरह किया था उस टाइम। हाँ वो भी भेज दो और ये कोरोना की भी भेज दो। हाँ, और मेरे को क्रोनिक करके बताया था कि क्रोनिक साइनस है आप। हाँ। इन्फेक्शन वाला साइनस है। हाँ। तो बाकी इन्होंने कहा था कि आपका ना सीटी स्कैन करेंगे, सीटी स्कैन हो नहीं पाया था तो मेरे को कोविड हो गया। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं होती है, कुछ नहीं होती। अच्छा, बिना उसके इलाज हो जाएगा। हाँ जी हाँ। उसमें भी अपना 5-7 हज़ार रुपये क्यों खराब करोगे। हाँ जी हाँ हाँ, वो हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर, तो मुझे आप आगे का ट्रीटमेंट बताओ कैसे करना है। मैं जो अच्छा डॉक्टर, और ठीक है डॉक्टर, अच्छा ये जो है साइनस बिल्कुल खत्म हो जाएगा इससे? हाँ, हो जाएगा, और भी बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छा, और क्या कहते हैं, एंटी मेरे को ये एलोपैथिक लेने की जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, धीरे धीरे से बहुत सारी हेल्थ बड़ी अच्छी हो जाएगी आपको। अगर पहले हेल्थ अच्छी होती तो कोरोना होता ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। समझे, जो हेल्थ, जिन लोगों की हेल्थ खराब होती है उन्हीं को कोरोना होता है, नहीं तो आप सारा दिन कोरोना के मरीजों में घूमते रहोगे, कुछ नहीं होगा। समझे, तो वो हमारा जो ट्रीटमेंट है ना, ये जो जनरल ट्रीटमेंट जिसे बता रहे हैं, ये आपकी टोटल हेल्थ को बहुत अच्छा कर देता है। अच्छा। हाँ, जैसे आप साइनस की बात कर रहे हो अभी तो मुझसे, तो जब आप इलाज लेना शुरू करोगे तो आगे साइनस के अलावा और भी जो जो डिफेक्ट हैं बॉडी में वो भी ठीक होने लगे। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो टोटल हेल्थ मिलती है। ठीक है, तो मेरे को अभी वो शेयर कर दो दोनों चीज़ें, रिपोर्ट वगैरह सारी। ठीक है, क्योंकि जितना ऑनेस्टली मैं काम करता हूँ कोई नहीं करता पूरे वर्ल्ड में। चलो मैं भेजता हूँ मैसेज, आप उधर से दोनों मेरे को फाइलें भेज दो अपनी, कोरोना वाली भी और ये साइनस वाली भी। ठीक है, ठीक है। इस ऑडियो में आपने सुना है कि कोरोना होने से 2 महीने पहले से ही इसका साइनस का इलाज चल रहा था। इसका मतलब है कि इलाज के चलते चलते हुए ही इसको कोरोना हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि साइनस का सही ढंग से इलाज नहीं चल रहा था। यानी जो लोग भी इसका इलाज कर रहे थे, जो भी डॉक्टर कर रहे थे,
वो इसकी इम्यूनिटी को ठीक नहीं कर पा रहे थे, इसके वाइटल फोर्स के डिरेंजमेंट को ठीक नहीं कर पा रहे थे, इसी कारण से इसको कोरोना हुआ। अगर ये सही होम्योपैथिक डॉक्टर के इलाज में होता तो फिर कोरोना नहीं होता और साइनस भी ठीक हो जाता। अगर सही इलाज चल रहा होता तो इसको कोरोना होता ही नहीं, क्योंकि जब हमारे वाइटल फोर्स की हार्मोनी ठीक होती है तो फिर हम बीमार नहीं होते हैं। अब ये साइनस का इलाज मुझसे करवाना चाहता है, इसका मतलब है कि ये अपने कोरोना के इलाज से जो इसने मुझसे करवाया था पूर्णतः संतुष्ट था। तो इस मेथड को अगर आप लोग सीख लेंगे तो हर रोगी का इलाज पूर्ण आत्मविश्वास से कर पाएंगे। धन्यवाद।